दोस्तों अगर आप हाई एंड ग्राफिक गेम्स के शौकीन हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जो पीसी होते हैं वो गेमिंग कंसोल से सस्ते होते हैं, साथ ही साथ पीसी में जो ग्राफिक्स क्वालिटी होती है वो बेहतरीन होती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जो गेमिंग कंसोल होते हैं वे महंगे होते हैं, मगर जो पीसी होता है वो आपको सस्ता मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, साथ ही साथ पीसी में जो ग्राफिक क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है, वो कभी ज्यादातर हैंग भी नहीं होता। मगर जो PS4 या फिर एक्सबॉक्स जैसे होते हैं इनमें आप ज्यादा हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते, यानी बड़े गेम चला तो सकते हैं मगर आपको ग्राफिक का उतना मजा नहीं आता। मगर जो पीसी में ऐसा नहीं होता, जो गेमिंग कंसोल होते हैं वे कुछ उसमें ऐसे हार्डवेयर लगे होते हैं जिनके कारण वे महंगे होते हैं, मगर पीसी होता है उसे आप अगर अपने घर पर डेवलप करते हैं तो वो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी उसके जो जितने भी हार्डवेयर है वो मार्केट में आपको सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए जो पीसी है उसे अगर आप असेंबल करते हैं तो ये आपको सस्ता मिल जाता है। मैं पीसी असेंबल कैसे किया जाता है इसके बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो पीसी है इनमें किस किस चीज की जरूरत होती है एक बेहतरीन गेमिंग कंप्यूटर के लिए। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड चाहिए, साथ ही साथ आपको कम से कम 8 GB रैम और साथ ही साथ 1 TB की या फिर 500 GB की हार्ड डिस्क और इंटेल का कम से कम i5 या फिर i7 प्रोसेसर। अगर ये सारी खूबी अगर गेमिंग कंसोल में देखें तो गेमिंग कंसोल में आपको लगभग इतनी स्पेसिफिकेशन के हार्डवेयर मिलते हैं, मगर उसका जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा महंगा होता है। इसी कारण जो गेमिंग कंसोल है उनके हार्डवेयर महंगे होते हैं और गेमिंग कंसोल थोड़ा महंगा होता है, मगर जो पीसी है वो सस्ता होता है। अब ये मैं सोचना कि कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 हजार रुपया डिफरेंस होता है पीसी और गेमिंग कंसोल में। गेमिंग कंसोल में आपको कई सारे साथ ही साथ आपको कंट्रोलर भी दिया जाता है और कई सारे अलग स्पेसिफिकेशन भी मिल जाते हैं, इसलिए गेमिंग कंसोल थोड़ा सा महंगा है। मगर पीसी में आपको सारे गेम्स कीबोर्ड या फिर माउस से ही खेलने पड़ते हैं, मगर गेमिंग कंसोल में ऐसा नहीं होता, आपको वे एक अलग से कंट्रोलर देते हैं जिसके जरिए आप गेम खेल सकते हैं, मगर पीसी में आपको उसी कीबोर्ड और माउस से गेम खेलना होता है। इस कारण पीसी थोड़ा सस्ता होता है और गेमिंग कंसोल महंगा होता है। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि पीसी इतने सस्ते क्यों होते हैं और गेमिंग कंसोल इतने महंगे क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।